क्यों जाने ना तू मेरा सुकून तो मेरे ख्याल में तुम चेंज कर लो, क्या पहना है तुमने? मैंने ये जो है ना रंग तुम पे बहुत सजता है, तैयार तुमको होना है ठीक है? तो मैं लाट के देखती हूँ अलमारी में से कोई अच्छा सा गहरा से रंग का कलर का सूट निकालती हूँ, देखती हूँ मैं। वाह ये देखो, ये सूट बहुत अच्छा लगे। क्या चीज़ है, साड़ी है जी? अरे वाह वाह अच्छा, और इसके साथ वो जो लंबे वाले झुमके हैं ना वो वाले पहन लेना ठीक है जी। देखो जारा, तुमको खूबसूरत भी लगना है और खुश भी लगना है, क्योंकि तुम्हें यूं देखकर जहां कुछ लोग मुतमईन भी होंगे ना, तो कुछ लोग बेचैन भी होंगे। और बेहतरीन हिकमत अमली वो होती है कि इंसान अपने मुखालिफ की ख्वाहिशों पर चलने के बजाय उसे अपनी ख्वाहिशों पर जलने पर मजबूर करे। तो मुखालिफ कौन है? अली से। अलीज़े इसलिए आ रही है क्योंकि वो तुम्हें रोता धोता देखे और दानियाल को तुमसे दूर दूर उखड़ा हुआ देखे। तुम चाहती हो कि वो खुश हो? नहीं नहीं ना, नहीं। ठीक है ना, तो फिर अपनी तैयारी करो। तुम समझदार हो, तुम जानती हो क्या करना है। तुम अलीजे को जानते नहीं हो क्या? अच्छी तरह जानता हूँ। आग लगाकर तमाशा देखना उसका अव्वलीन शौक है। और तुम लुत्फ अंदोज होने दोगे उसे? नहीं, कभी नहीं। गुड गुड, आई एम ग्लैड। जी 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 बहन, समझ रही हूँ, मगर आप भी तो हमारी मजबूरी समझे ना। हाँ देखे ना, अब इतनी लंबी जहेज की लिस्ट है, जाहिर है सामान तैयार करने में टाइम तो लगेगा ना। जी 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 बहन, मैं समझ रही हूँ बिल्कुल समझ रही हूँ। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको बहुत जल्द जवाब दूँगी। जी खुदा हाफिज़। अरे हटकंबखत, क्या चिपकी हुई थी कान से उस औरत की बात सुनने कितनी मुश्किल हो रही थी, और ऊपर से उसने दिमाग खराब कर रखा है कि जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, और साथ इतनी लंबी जहेज की लिस्ट। कहां से होगा इतना जहेज इतनी जल्दी तैयार? भाई इस रिश्ते से तो हमारे दांतों तले पसीना आ गया। अम्मा अम्मा, आप नदीम भाई से बात करो ना। हाँ नदीम भाई से बात करो ना, कर चुकी हूँ बात करके, उसे देख चुकी हूँ एक बार। अब बार बार अगर उसे कहा ना तो इनकार कर देगा, साफ मना कर देगा। फिर बोलो क्या करूंगी हैं? अभी तो वो खुद पानी के दोष पे डामाडोल है। लगता है अभी तक उस जारा को दिल से भुलाया नहीं है नदीम भाई ने, इसीलिए तो अलीजे को काबू करने में इतना नाकाम है। अलीजे को जारा समझ रखा है क्या? वो काबू में नहीं आएगी, काबू करती है। मुझे तो खुद डर है इस बात का कि कहीं वो हमारे नदीम को हमसे जुदा ना कर ले। आय अम्मा ऐसा तो ना कहो, अलीजे ऐसी तो नहीं है, बहुत नेक दिल है, अच्छी है बहुत वो। हाँ ये तो है, और अम्मा तुम देखना अलीजे ना नदीम भाई को माला माल कर देगी। पता नहीं कब कर देगी, फिलहाल तो तेरी सास ने मेरे नाक में दम कर रखा है। एक हल है मेरे पास। क्या? अगर हम ये घर बेच के फिलहाल किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाए तो भाई बाद में तो हम लोग ने भाई के बंगले पे रहना ना। क्यों भाई के बंगले पे? ओफो भाई, अलीजे के इस गंदी सी खोली में रहेगी ना, मुमकिन। भाई को अपने साथ ही रखेगी ना, और भाई हमें अपने साथ रखेंगे, हम भी जाएंगे। लो सुन लो, कहां की कहां जोड़ दी इन्होंने। अम्मा कह तो ठीक रही है, अलीजे क्यों इस खंडर में रहेगी आकर, और अगर उसने बड़ा घर लिया अभी तो हमें भी तो साथ ले जाएगी। भाई 20-25 लाख तो मिल ही जाएगा, 10-15 लाख भी मिल जाएंगे ना तो लड्डू बांट लेना, 20-25 लाख इस खंडर के। चलो तुम्हारी शादी का खर्चा तो निकलेगा ही ना, और बस 2-4 माह की ही तो बात है, हम लोग किसी को
कोठी, हाँ क्यों ना हम कोई कोठी किराए पे ले ले, कैसा आइडिया है? वाह शिम्मी, आज तो तुम्हारे दिमाग के खेल खूब काम कर रहे हैं। यानी अलीजे के माँ बाप भी हमें पूरी तरह फकीर ना समझे ना? ज्यादा नहीं अम्मा, कुछ ना कुछ तो रोक जमाना ही है ना उनके आगे। डन, आ जाने दो नदीम भाई को आज बस। आ जाने दो नदीम को जरा बस। ये घर जो है ना, ये अपना है, जाती। जाती का मतलब अपना, किराए का नहीं है। अम्मा प्लीज, बने बनाए प्लान पे ना पानी मत फेरो। A1 प्लान है ये, और फिर मेरे ससुराल वालों के सामने भी तो रोक जमाना ही है ना अम्मा। इज्जत का सवाल है, मान जाओ। और जो ये छत भी चली गई तो? अम्मा अगर इज्जत चली गई ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर इज्जत बच गई तो छत भी बच जाएगी और छत वाली भी। छोड़ के चला गया तुम्हें दानियाल? दानियाल मुझे कहीं छोड़कर नहीं गए, डिजाइनर के पास गए अपना और मेरा जोड़ा देखने के लिए। तुम जानती तो कितने पर्टिकुलर इन सारी चीजों के बारे में। हाँ वो तो है। आंटी बुआ, शाजे आंटी आ जाए, नाश्ता लग गया है। कौन? भाभी टीपू हूँ, बड़ी बाजी बुला रही है आपको। आ रही हूँ। सलमान साहब से मेरी बात हुई थी। He said that he's gonna send us the details by the night। मैं देख रही हूँ। आप बुला रही थी? हाँ बेटा, तुमने चेंज क्यों किया? इतनी प्यारी लग रही थी। वो कपड़े बहुत भारी थे तो इसलिए मैंने सोचा कि चेंज कर लूँ। लेकिन अभी तो तुम्हें अपने मैके भी जाना है दानियाल के साथ। क्यों? रस्म होती है बेटा। वो नहीं गई सारी रस्में? कितनी रस्में होती हैं? I'm really tired of all of this now. Please stop it now. Excuse me. तुम बंसवर कितनी प्यारी लगती हो। मेरे बनने या सवरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? मैं समेट लेती हूँ। कर लेगा टीपू बेटा, तुम कर रही हूँ। मेरी प्यारी बाजी, आपके लिए जूस। बर्फ कम है इसमें। सॉरी बाजी, मैं भूल गई। शैनन,
आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं भूलती जा रही, काफी लेजी होती जा रही। एक काम करने को कहूं वो भी ठीक से नहीं किया जाता, जाओ लेके आओ। नहीं नहीं वो मैंने किचन में आइस बकेट बना के रखा था, मैं लाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो बाजी बाजी आप जारा बाजी के घर गई थी, दुल्हन बन के कैसी लग रही थी? खुश है ना वो बहुत? तुम कुछ ज्यादा इंक्वायरियां करने नहीं लगे? जितना काम कहो उतना किया करो। जी, जी। अब जाओ यहां से, जाओ। जी, सॉरी। सिक ऑफ दिस नदीम, नदीम कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इतनी सी भी कोशिश करने में कि मैं उसके जैसा बनूं। मैं तानियाल हूं और खुश हूं। तुम अगर इतना ही मरी जा रही हो ना उससे शादी करने के लिए तो कर क्यों नहीं लेती? आई एम श्योर वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा। दानियाल मुझे कहीं छोड़कर नहीं गए, डिजाइनर के पास गए अपना मेरा जोड़ा देखने के लिए। हेलो, कहाँ हो नदी? हाँ बस ऑफिस से निकला। ठीक है, काम पे किया। ओके। सारा बेटा ये जोड़ा कैसा है? बहुत प्यारा। बस इसका मेरे ख्याल में ब्लाउज जो है ना शायद इसको जरा सी फिटिंग इसकी सही करनी होगी। असल में अलीजे के लिए बना था ना, तो उसके नाप का है। या आपने अलीजे के लिए लिया था? अरे मैंने थोड़ी लिया था, वो खुद दानियाल के साथ गई थी और अपने लिए लिया था उसने। और उसकी बदकिस्मती और तुम्हारी। आंटी मैं नहीं पहनूंगी। क्यों बेटा? अभी तो तुम कह रही तुम्हें पसंद है। वो मुझे लग रहा है कि इसका गरारा मैं कैरी नहीं कर सकूंगी, इसलिए। तुम अलीजे की वजह से कह रही हो ये? नहीं नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे नाप में फ़र्क है, तो मुझे लगता है मेरे साइज़ का नहीं है, मैं कुछ और पहन लूँगी। चलो ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो पहनो, लेकिन ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ, अभी पार्लर भी जाना है तुम्हें। ऐसा ना हो कि मेहमान वलीमे का खाना खा के चले जाएँ और दुल्हन कोई ना देख पाए। जी हाँ हाँ ऑब्वियसली निकाह नामे पे दस्तखत तो तुम्हारे होंगे, पर मेरे छोड़े हुए मर्द के साथ। अब देखो ना, तुम्हें मेरी यूज्ड कपड़े पहनते हुए भी इतनी तकलीफ होती थी। दानियाल के साथ तो हमेशा मेरा नाम जुड़ा रहा है, अब मैंने उसे रिजेक्ट किया तो। सैलून चलो, जारा के वलीमे के लिए तैयार होना है मुझे। ओह, मैं समझा मेरे लिए तैयार हो रही। तो जब मैं तैयार होके आऊंगी तो तुम क्या आंखें बंद कर लोगे, या मैं कहूंगी तुम्हें कि तुम अपनी आंखें बंद करो? नहीं ना, तो तब देख लेना मुझे। आज तो ऐसा तैयार होंगी कि सब लोग जारा को छोड़कर सिर्फ मुझे देखेंगे। आज मेक श्योर कि तानिया जारा को देखना भूल जाए।
चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। दो चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत, बांधी है तुझसे ये डोरियां, ये डोरियां। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है मुझ में, तू है मुझ में तू। रुसवाई तेरे बिना जीना डस है तन्हाई, और रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई तेरे बिना जीना डस है तन्हाई। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। सबब आंसुओं का किसे हम बताए, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं है, जिनके लिए मोहब्बत वफाए। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है मुझ में, तू है मुझ में तू। तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही गुमान। तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा। तुम्हें शर्म आती है कुछ? तुमने जितना एम्बैरस मुझे वहां किया है, जितना डिस्ट्रेस तुमने मुझे वहां दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। मुझे एक बात बताओ, तुम उस नदीम से शादी करना चाहती हो? What? मैं पागल नहीं हूं डैड, उसे तो मैं दानियल को जलाने के लिए लेके गई थी। पागल लड़की लोगों को जलाने जलाने में खुद को ना जला बैठना एक दिन, और उस नदीम के साथ ये टाइम पास करने के लिए घूमना छोड़ दो। वैसे भी मैं उसको ऑफिस से बाहर निकाल रहा हूं। सारा का दिल तोड़ने का इनाम अलीजे? नेवर। मुझे भी बहुत बुरा लगा, फकीर इंसान लूजर, उसके साथ तुम क्यों थी? खुदा के लिए बस कर दो, तुम वो तुम्हारे लेवल का नहीं है अलीजे। गॉड मॉम, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। तुमने अपना मकसद, लिसन टू मी, तुमने अपना मकसद पूरा करना था ना, कर लिया। तुमने दानियाल और जारा को चौंकाना था, सो कर लिया। अब बस कर दो, ये सिलसिला खत्म करो अभी। इतनी जल्दी खेल खत्म पैसा हजम थोड़ी ना होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इस खेल को तो मैं दूर तक लेके जाऊंगी। कैसी खेल, कैसा खेल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते तुम अपने आप के साथ क्या कर रही हो? तुमने तो दानियाल जैसे हीरे को भी ठुकरा दिया, जारा को दे दिया तुमने। अभी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा बेटा, बाद में पछताओगी। मैं पछताऊंगी? डोंट वरी मॉम, अगर मैं किसी को कुछ दे सकती हूं तो जब दिल चाहे उनसे वापस भी ले सकती हूं। नदीम भाई कहां थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। खाना लगाओ, साथ खाते हैं। खा लिया मैंने।
कहाँ खाया है, किसके साथ खाया है? जाओ यहाँ से अभी। आप अलीजे के साथ थे? हाँ। अच्छी बात है ना, तो इसमें इतना मुंह बनाने की और नाराज होने की क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं, जारा के वलीमे का खाना खाकर आ रहा हूँ और अलीजे को घर छोड़कर आ रहा हूँ, और कितना खुश होना चाहिए मुझे। जारा की शादी थी आज? वलीमा था आज। आप क्यों गए उसकी शादी में? मैं नहीं गया था, अलीजे लेकर गई थी। अच्छा सुनो ना, हमने ना एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, आपकी और अलीजे की शादी से पहले पहले हमने अपना स्टैंडर्ड रूटा करना है। अब मेरी बात गौर से सुना ठीक है? हम सोच रहे हैं कि हम ये वाला घर बेच के एक बहुत बड़ा अच्छा शानदार सा बंगला जो है वो किराए पे ले लें। तुमने तुमने चेंज कर लिया? रहने देती, अच्छी लग रही थी। जी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लो, जितनी जल्दी घर बिक जाए अच्छा है। अम्मा मैं तो आपकी ये बात से इत्तेफाक नहीं करता। अपने घर को छोड़कर जाकर किसी किराए के घर पर जाना तो कहाँ की अकलमंदी है। नदी तू 4 महीने के लिए किराए के घर में रहना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी रीमा की शादी के बाद, तो जाहिर है फिर हम तो तुम्हारे बंगले में ही शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा बंगला? हाँ भाई, अलीजे का हो या तुम्हारा एक ही बात है ना। जाहिर है शादी के बाद अलीजे ऐसे वैसे कोई घर में थोड़ी रहेगी, उसका इतना बड़ा शानदार बंगला है डिफेंस में। क्या उसने आपको बोला कि वो अपने डिफेंस वाले बंगले में सबको शिफ्ट कर लेगी? हाँ ना, मुझसे बोला, हमें बोला कि हम सबको अपने डिफेंस वाले बंगले में ले जाएगी। अच्छा, उसने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आपसे तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि शर्माती होगी ना। शर्माती? अच्छा बस नदीम, फैसला हो गया और इसके सिवा कोई हल नहीं है मेरे पास। वो रीमा की सास जो है शादी पे जोर दे रही है, वरना रिश्ता खत्म कर देगी। रियाज साहब को जाते हुए कहना किसी प्रॉपर्टी वाले को बोल दें। ठीक है मैं जाते हुए बोल दूंगा। ये नाश्ता तो पूरा कर ले, चाय वहीं पड़ी हुई है। ना, मैं बस कर लिया, देर हो रही है भाई। नदीम कैसे अतावली हो रही है, जल्दी कर कुछ भाई। मैं हो जाएगा, मतलब रातों रात तो कुछ नहीं होता ना। आप नहीं आएंगे? नहीं, एक्चुअली एक मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे वापसी में पिक कौन करेगा? कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूँ। आप अलीजे का सामना नहीं करना चाहते? ताना दे रही हूँ। नहीं मैं ताना नहीं दे रही, मैं यूं ही पूछ रही हूँ। ज़्यादा दोबारा यूं ही ना ऐसा कोई सवाल मत पूछना। वो क्या है ना कि मुझे ताने और ताने देने वाले दोनों ही पसंद नहीं है। ताने वाले आप तो नाराज ही हो गए, मैं तो बस। Listen, I'm really getting late. बाद में बात करते हैं इस बारे में। Bye. Bye. अम्मा कह रही थी कि हमें अब घर चेंज कर लेना चाहिए। Good.
अच्छा ख्याल है, फिर? फिर बस ये घर बेचेंगे और किराए पर दूसरा घर देखेंगे, कोई अच्छा बड़ा बंगला। रीमा की शादी भी तो करनी है, और आप तो जानती हैं कि उसके ससुराल वाले कितने अमीर और दौलतमंद लोग। तो अब क्या घर बेच रहे हो तुम लोग? जी। अच्छा चलो फिर इस बार सोच समझ के घर लेना, क्योंकि घर बार बार नहीं बदला जाता। यू नो हमारा घर कितना बड़ा है नदीम। जी जानता हूँ, लेकिन आप जितना बड़ा घर लेने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम वो घर लो? वक्त आने पे वो भी मिल जाएगा। ओ जारा, कम 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 कम, हाउ आर यू जारा? दानिया साथ आया? अच्छा नदीम मैं तुम्हें शाम में फोन करती हूँ, नई दुल्हन और साथ उसका दूल्हा है। जी बाय। आंटी कहाँ है? Nice. काफी खुश लग रही, लगता है दानियाल ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, वरना उसकी चॉइस तो अच्छी खासी थी। तुम जेलस हो रही हो? इन योर ड्रीम्स सारा। देखो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम दानियाल को रिजेक्ट कर दोगी तो वो मजनूओं की तरह पहाड़ों में भागेगा या उसको कोई बीमारी हो जाएगी? लेकिन अफसोस के साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अफसोस के साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत नहीं करेगा वो कभी भी तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत कर सकते हैं अलीज़े, और मोहब्बत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और वैसे भी अब तो हम हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, पहली बार मुझे तुम्हारी रिजेक्ट हुई चीज़ इतनी अच्छी लगी है कि शायद मैं उसको अपने पास रख लूँ। लेकिन शायद मेरी रिजेक्ट हुई चीज़ तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दे जाए। What rubbish! तुम्हारी रिजेक्ट की हुई चीज़ कहीं मैं अपने पास रख ही ना लूँ। दानियाल तुम्हें बहुत जल्दी भूल चुके हैं, नदीम को मुझे भुलाने में शायद थोड़ा टाइम लगे। मैं आंटी से मिल लेती हूँ। आंटी उस तरफ ये अलीज़े ने बेक किया है, इट्स डिवाइन। वैसे तुम्हारी बुआ तो कल ही चली गई थी वापस। बुआ रात में ही चली गई? तो मैं काम करूंगी, घर जाके मिल लूंगी उनसे। अच्छा मुझे बताओ खालदा आपा ने मुंह दिखाए में क्या क्या दिया? ये इयररिंग्स दिए उन्होंने, देयर गॉर्जियस। जानती थी वैसे मैं। वैसे तुमने कभी सोचा था ये तुम्हारी लाइफस्टाइल होगी, इतनी अमीर हो जाओगी, इस तरह की ज्वेलरी तुम्हारी होगी? ये सब मेरी वजह से, मैंने खालदा आपा को कहा था, अलीज़े ना सही हमारी ज़ारा भी है, और तुम्हें हमेशा मेरी नीयत पे शक रहा है। अब देखो माशाल्लाह अलीज़े से ज़्यादा खुशी मिल रही है ना तुम्हें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आंटी। तो मैं चलती हूँ। खाना खा के जाना ना? नहीं मैं घर जाऊंगी, लेट हो जाएगा और फिर दानियाल भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम दोनों साथ डिनर करते हैं, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं, इसलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आंटी, चाय बहुत मज़े की थी। अंकल का भी ख्याल रखिएगा और मैं आती रहा करूँगी। बाय अलीज़े। बाय। खालदा आपा की अम्मा के थे। कितना खूबसूरत घर है अम्मा। प्यारा है ना? बिल्कुल ख्वाबों जैसा हसीन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए।
हमें यहाँ पे रहना नसीब करे। अम्मा आप लोग जरा देखें, मैं सामान निकलवा देता हूँ। हाँ माँ, तुझे पता है मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं कैसे इसी बड़े घर में रहूं, कि शोपीस कितने प्यारे हैं और ये सोफे पर्दे काली, मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। शुक्र करो कि तुम्हारा ससुराल भी अमीर कबीर है। ये तो है। और अम्मा ये तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मलका आके बैठने वाली हो। हाँ हाँ, तो मलका है ना हमारे पास, हमारी प्यारी मलका कीश्वर सुल्तान। आइए तशरीफ रखिए, आइए 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 आइए, चलिए आइए। ये आदाब कर, आदाब आदाब। अरे रेशम, अब ले भी आओ शरबत। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुआ एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप तो बहुत सफाई पसंद हैं, तो फिर घर इतना गंदा क्यों हो रहा है? बेटा बात दरअसल ये है कि अपनी बीमारी की वजह से अब इतनी कमज़ोरी हो गई है कि घर का काम काज कर ही नहीं पाती हूँ। अब ये बहू है ना, इसका छोटा सा बच्चा है, उसके साथ बामुश्किल काम कर पाती है। अरे दोनों बच्चे इतना तंग करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अरे बेटा ये मेरा घर है, सारी ज़िंदगी मैंने इसकी हिफाजत की है, देखभाल की है, तो अब भी मैं ही करूँगी, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। दरअसल तुम्हारी शादी के सिलसिले में दो दिन जमाल साहब के घर जो रही हूँ ना, अरे सारा घर उलट पुलट हो गया। खैर बहरहाल अब मैं पूरी कोशिश करूँगी भाई, उठ के मैं खुद ही सफाई कर लूँ। अब कैसे तुम आओगी ना, तुम देखना तुम्हें घर पहली जैसी हालत में मिलेगा। क्यों जाने ना तू